2018 বিধান সভা চংমারী বুসকাঙ্গ তনি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বদলনি ইস্তেহার সাপবৈ দেখলাই জাখা তাংসলা আগরতলা পোস্ট অফিস চমনি প্রদেশ কংগ্রেস নক থাইও ইস্তেহার দেখলাই জাখা পান্ডব মানজাখা পন্ডিচেরনি মন্ত্রী অকরা বি নারায়ণ স্বামী আসামনি এমএলএ ভূপেন বরা আচুফাং প্রদ্যুর কিশোর দেবর্মন তাপস দেব হরেকৃষ্ণ ভূমিগ্ন খবৈ বদলনি সামু তাংনের अभी कांग्रेस पार्टी ने पूरा साइकिल दिया बच्चों को पढ़ने वालों को। नरेंद्र मोदी जी आया चुनाव के समय में उन्होंने बताया हम सबको स्कूटी देने के लिए बताया, स्कूटी अनाउंस किया। अभी सरकार आई है, 9 महीने 10 महीने हो गया, 1000 लोगों को मिला। असम में उन्होंने क्या बोला, हम स्कूल में फर्स्ट आने वाले को देने के लिए तैयार, ये झूठा नहीं है। उन्होंने सबको देने के लिए बताया, अभी बोल रहा है 1000 लोगों का। अभी यहां त्रिपुरा में 200 लोगों को देगा स्कूटी स्मार्टफोन, सबको नहीं देगा। उसके लिए मैं बोला आपको ये झूठी, ये झूठा मैनिफेस्टो है, ये विजन डॉक्यूमेंट है। अभी रोज वैली चिटफंड स्कैम के बारे में आपको सब जानता है, 14 लाख लोग यहाँ त्रिपुरा में दुखी है। वामपंथी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कुछ लोग उनमें इन्वॉल्व है। आप देखिए असम में बीजेपी नेतागण गोस्वैली घोटाला में फंस गया, सारा चिटफंड है यहाँ, जब एक सौ नाम अलग है, पूरा शारदा चिटफंड में फंस गया। अभी ये बीजेपी बोल रहा है हम पूरा सत्ता के आने के बाद उनको रोज वैली को हम इन्वेस्टिगेट करके पूरा पैसा आने के लिए हमारा तरफ से कांग्रेस पार्टी के तरफ से मेरा निवेदन आपको, मेरा आश्वासन है, हम कोई आदमी और ये कंपनी इन्वॉल्व है उनका प्रॉपर्टी को हम अटैच करके लोगों को पैसा पूरा वापस देने के लिए हमारा वादा। कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में हम क्लियरली बताया, कांग्रेस पार्टी का अभी मैनिफेस्टो है यूनाइटेड त्रिपुरा, दिस इज अवर स्लोगन, वी विल इंप्लीमेंट इट। बीजेपी इज प्लेइंग अ डबल गेम, बीजेपी इज प्लेइंग अ डबल गेम, दे आर टॉकिंग समथिंग इन द ट्राइबल एरिया, समथिंग इन द प्लेन एरिया। देयरफॉर द बीजेपी डबल फेस हैज बीन एक्सपोज्ड इन इन त्रिपुरा। सर हमने कहा कि 2019 में सत्ता में डेली वेज 140 का प्रॉमिस किया वो था अभी, लेकिन यहाँ में वो लोग 184 और यहाँ में 340। तो अभी देखिए सेम फाइनेंस हो, फाइनेंस मिनिस्टर होके असम में इतना दे नहीं पाया है, अभी यहाँ में देने के लिए एक वादा किया। दूसरा बात है जो असम का जो विजन डॉक्यूमेंट है, आज 2 साल हो गया, 2 बजट किया, 1 बजट में 1 भी पैसा ऑफिशियल वो उसके काउंसिल के उनके विजन डॉक्यूमेंट में नहीं आया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोविजन है कि स्टेट काउंसिल चले। अतः कांग्रेस पार्टी आफ्टर मेनी डिलीबरेशन हम लोग ने एक वादा किया है, और ये हम लोग इस बारे में पक्का रहेंगे कि डायरेक्ट फंडिंग टू द ट्राइबल अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विल बी डन थ्रू द सेंटर। अब सेंटर में बीजेपी है, हम स्टेट में अगर बीजेपी हो या कांग्रेस हो कोई भी हो, हम चाहते हैं कि अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डायरेक्ट फंडिंग हो। उसके ऊपर से हमने ये भी एक एम्फेसिस दिया है हमारे ट्राइबल भाई और बहनों को कि हम लोग चाहते हैं कि जो वो लोग एजुकेशन हो ट्राइबल अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बांग्ला में है, आज हम लोग इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट में भी लाए, ये हम लोग का क्लियर डिमांड है। एजुकेशन में हमने ये भी कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कॉलेजेस खोले, और हमने ये भी कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो ट्रिपल लैंड का जो स्टेट काउंसिल जो बात ये ट्रिपल लैंड हो रहा है, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये क्या सोशियो इकोनॉमिक पैकेज डील है, और ये सोशियो इकोनॉमिक पैकेज डील पे क्या बात हो रहा है, आप प्लीज क्लियर कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि त्रिपुरा का विभाजन हो। गोरखा लैंड एंट्री बीजेपी ने दिया था वेस्ट बंगाल में, आज गोरखा लैंड को उन्होंने छोड़ दिया है,
फोटो लाइन खोलकर असम में उन्होंने कहा था कि एक पैकेज होगा, आज 2 साल हो गया है, अगर वहां को कुछ मालूम नहीं क्या पैकेज हो रहा है। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा लैंड ये जो डिमांड है क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ है बिटवीन राजनाथ सिंह एंड आईपीएफटी, क्योंकि आईपीएफटी इज नॉट द सोल पार्टी टू स्पीक फॉर द ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा। कांग्रेस इज देयर, आईएनपीटी इज देयर, तृणमूल इज देयर, सीपीएम इज देयर, बीजेपी इज देयर, ये सिर्फ आईपीएफटी से क्या बात चल रहा है, ये क्या सीक्रेट डील है। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा एक रहे और हम चाहते हैं कि फंडिंग जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में है वो डायरेक्टली आए। हम ये भी चाहते हैं कि रेवेन्यू विल कम डायरेक्टली अंडर द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। वी आल्सो क्लियरली हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि ट्राइबल लैंड पे इलीगल ट्रांसफर नहीं होगा, ये सीपीपी कर रहा है और ये क्लैरिटी बीजेपी में नहीं है। तो हम स्पेसिफिकली जा रहे हैं और आपका एक सवाल था कि कांग्रेस पावर में आएगा तब ये लाएंगे, अगर नहीं भी आया और अगर कभी भी नहीं आया कभी भी हम लोग ये मैनिफेस्टो में है और ये मैनिफेस्टो को हम लोग आगे चलाएंगे। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए हमने मैनिफेस्टो नहीं लाया है, ये मैनिफेस्टो अगले 5 साल तक हमारे साथ रहेगा, ये त्रिपुरा का हम लोग का गाइडेंस वो रहेगा और ये मैनिफेस्टो को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऐसे लोग नहीं है कि इलेक्शन के टाइम मैनिफेस्टो आया और इलेक्शन के बाद मैनिफेस्टो, इलेक्शन के बाद मैनिफेस्टो को भूल गए। दिस इज माय आवर कमिटमेंट। और एयरपोर्ट के बारे में मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे बीजेपी ने कहा है कि वो एयरपोर्ट को बनाएंगे, हमने भी यही कहा है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में कोई ये नहीं लिखा है कि स्टेट अगर रेजोल्यूशन पास करे तभी होगा। बिगेस्ट एग्जांपल है अजीत सिंह के ग्रैंडफादर फादर के नाम है, चरण सिंह का एयरपोर्ट बना था लखनऊ में, स्टेट ने कोई असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया था, डायरेक्टली सेंटर ने बनाया था, क्योंकि एयरपोर्ट कम्स अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपको करना है तो आप कीजिए, ये क्या है कि हमको पावर में लाएंगे तभी करेंगे, इट इज कंप्लीटली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट।